इससे दूर नदियों के बहाव पर काबू किया जा सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तुम अपने आसपास के पेड़ों के झुकाव से हवा की रफ्तार का मोटा अंदाजा लगा लेते हो, लेकिन मुझे तो बहुत बारीकी से मालूम करना होता है। समुद्र के पास, पहाड़ों के ऊपर, खेतों के बीच, सब दूर हवा कैसी चल रही है। यही नहीं, और भी बहुत कुछ होता है यहाँ। अपना देश भरपूर है विशाल नदियों से, लेकिन सब एकदम अलहड़ और मनमानी करती हैं। किसी एक पर भी भरोसा नहीं कर सकते, कब कहाँ चली जाए, क्या रूप धारण कर ले। ये कंप्यूटर हालांकि कुछ दीवाना है, फिर भी इससे एक साथ कई नदियों के तौर तरीके, लहरों के उतार चढ़ाव के बारे में जान सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ रहती हूँ। इतना सब है, फिर भी कहीं ज़्यादा बहुत से बाहर है। हमेशा लगता है मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि कुछ नहीं, मजाक नहीं। इस फोन से मैं क्या, कोई भी कहीं भी बात कर सकता है। पता चल जाता है ब्रह्मपुत्र शांत तो है, गंगा का बहाव कैसा है, कृष्णा में बाढ़ तो नहीं। ये रेडियो देखा, मैंने ही बनाया है अपने हाथों से। इससे मैं कहीं भी पहुंच सकती हूँ। जाना चाहूँ तो सात समुंदर पार कर लूँ, पृथ्वी के किसी भी कोने तक। लेकिन आजकल कुछ अजीब सा हो रहा है, बताऊँ? इसे मैं कहीं भी घुमाती हूँ तो सुनो, ये ही सुनाई देता है। Wow।
माई। ओ माता, थोड़ा पानी पीने को मिलेगा? हाँ। घड़ी घड़ी मुंह सूख जाता है, देखो कैसे छाले पड़ गए हैं पैरों में। धरती ऐसी जल रही है। मेरी तुलसी भी झुलस गई, सब पेड़ पौधे सूख रहे हैं। पर तुम्हारा रूप तो अमलतास सा निखर आया है। वो मेंढक बोल रहा है? हाँ, एक पकड़ना चाहा था पर इतना गिलबिला निकला कि फिसल गया हाथों से। वो गिलबिला था या तुम्हारे हाथों में पसीना? तुम्हारे हाथ कमजोर नहीं, तुम्हीं ने जाने दिया होगा उसे। कौन जाने क्या होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। अब इधर आपको आना ही था। लो, मैं तो आ गया। कहो। ठहरो। मेंढक महाराज, तुम अकेले तो मल्हार छेड़ नहीं पाओगे। जाओ, अपनी सेना संग किसी खड्डे में गाओ, तब शायद बादल आए तुम्हारी पकड़ में। जाओ। अब दूर बादलों को देखकर मन नहीं भरता, आते भी हैं तो उड़ जाते हैं। बादलों को कौन बांध सकता है? उनका क्या है, बोझ बढ़ेगा तो ठहर जाएंगे, बरस पड़ेंगे। खूब समझती हो, पर समझना ही काफी नहीं, उसे निभाना और सहना भी पड़ता है। मेरी शक्ति पर शंका करते हो? तुम उतनी ही चतुर हो जितनी सुंदर, पर हट मत करो, भगवान पर दया करो माई। अब हाथ पर हाथ रखकर बैठना मुझसे नहीं होगा। सोच लो, एक बार जो कदम बढ़ा दिया तो फिर लौटा नहीं पाओगी। मेरे मन की बात तो जानते हो। फिर वैसा ही हो, कल कल करता पानी ही पानी चारों ओर होगा। जब तुम चाहोगी, सब तुम पर निर्भर है। अब मैं चलूं? हाँ। तुम्हारे लिए ही रुकी थी। मेरे लिए? तब ठीक है, आज बैठ के गप्पे लड़ाएंगे, खाने की छुट्टी।
बस उसी की परवाह है तुझे? मुझे तो आज कोई फिक्र नहीं, तुम अपनी सुनाओ सखी। सब धुंधला सा लग रहा है। चल चल, आज इस रास्ते से चलते हैं, शायद कुछ दिख जाए। अजीब सा लग रहा है, कुछ हल्कापन, और उस हल्केपन पर घबराहट भी। यानी कि हल्केपन का वजन? वाह वाह, तुम अपने इस नशे से निकलो तो कोई बात हो, वरना अच्छा अब मैं चुप बैठती हूँ, तुम बताओ हुआ क्या। मन में एक ऐसी उधेड़बुन चल रही है, समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं। सोचने से बोझ और बढ़ता जाता है। आज मेरा मन बहुत भारी है। ऐसे काले लंबे घने रेशमी बाल कस के रखोगी तो बोझ लगेगा ही। इस बोझ से बदन टूट जाएगा। समझ गई, ये तो एक कांटा होगा जिसके चुभने से तुम इतनी बेहाल हो। इसने तो अपने आप को पिरो लिया है तुम्हारे घने बालों के बीच। हंसी उड़ा रही हो मेरी? लेकिन अगर तुमसे भी ना कह पाऊंगी तो किससे कहूंगी। कहने से जी हल्का हो जाता है। फिर तुम ही तो हो जो मेरा हाल बता सकती हो वहां। कितनी बातें हैं, शुरू करूं भी तो कैसे। मेरे पास वो शब्द ही नहीं जो तुम ठीक समझो पहुंचा देना वहां। सोच लो जो भी कुछ, अपनी कोई निशानी भेज दो। निशानी क्यों, तू जा तो रही है। जाऊं? देर हो जाएगी, नहीं तो बेचारा भूख से कुलबुलाएगा। तो तू आंसू पोंछ देना। अच्छा, एक हाथ से आंसू पोंछू और दूसरे हाथ से खाना भी खिलाऊं? इतना तो करना ही होगा। इतना तो करना ही होगा। अच्छा अब तू जा। सुनो, फिर टोक दिया है जाते समय, अब क्या है? संभल कर जाना ठीक से। क्यों, रोज तो जाती हूँ। कहीं पानी आ गया तो? इतने दिनों से नहीं आया, आज ही आएगा क्या? फिर भी अगर गिरा तो? तो कहो तो मैं रुक जाऊं। अच्छा जा, लेकिन ख्याल रखना। चल हट, तेरी धमकियों से भगवान डरते होंगे, मैं नहीं। और आएगा भी तो क्या मैं भीतर छिपूंगी? वो बात नहीं। हाँ मैं भीगूंगी। भीगेगी। जाना, लौट आना। मैं भीगूंगी बाहर खुले में आसमान के नीचे। तू तो पागल हो गई है।
देर क्यों हो गई? उन्होंने खाया नहीं। तुमका व्रत था क्या? नहीं। तो फिर वो ठीक तो है ना? किसी काम में लगे रहे होंगे, किसी बात पर बुरा मान गए, खाना पसंद नहीं आया। या सिर्फ मुझे तंग करने के लिए नहीं खाया? वो सब नहीं। तो फिर तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं? बहुत रात हो गई थी, खूब अंधेरा था वहां। था तो, लेकिन नहीं तो बारिश के डर से। तुम कुछ छुपा रहे हो। मत करो, लगता है। ये क्या है? ये खरोंच, ये निशान। बस अब और मत कहो, रहा नहीं जाएगा। उनसे भी रहा नहीं गया, और अब वो इस भूख को सह नहीं पाएंगे। वो मुझे हर रूप में ढूंढेंगे, लेकिन जितना बेचैन होंगे उतना ही मैं उनसे दूर चली जाऊंगी। हवा की रफ्तार से उनके हाथों से फिसल जाऊंगी, हमेशा पहुंच से बाहर। चली जाओ तुम। किधर? मेरे पास रहा ही कहाँ है जाने को। कहाँ जा रही हो? मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। जाना तो पड़ेगा। कब? आज, अभी, रोज। तुमने अब समझ आ रहा है वो पल पल का बोझ, वो ढेर बुन। माफ नहीं कर सकती। जा फिर से वहां। अब मेरा बोझ हल्का होगा। ऐसा होना ही था। जैसा चाहा वैसा हुआ।